वेलकम टू स्वादिष्ट किचन विद रिंकी। आज हम बनाएंगे बीन्स की भाजी। सिंपल सी रेसिपी है और खाने में बहुत अच्छा लगता है, तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम मुलायम वाला बीन्स ले लिया है और इसे अच्छी तरह से धोने के बाद बीन्स को मैंने इस तरह से एकदम छोटे छोटे पीस में काट लिया है। आप पके हुए बीन्स का इस्तेमाल ना करें, खाने में अच्छा नहीं लगेगा। एक बड़े साइज़ का रफली कटा हुआ प्याज ले लिया है। अब गर्म पैन पे 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और ऑयल को अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। अब गरम ऑयल पे सरसों डालेंगे 1 टीस्पून। इसी के साथ ही चीरा लगा हुआ हरी मिर्चें 2-3, करी पत्ते डालेंगे 15-20। अब सारे चीज़ों को मिलाते हुए इसे हमें कुछ सेकंड तक भून लेना है और सरसों जब फूटने लगेगा तब इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून और हल्दी के साथ ही हम इसमें रफली कटा हुआ प्याज डालेंगे। अब प्याज को हमें मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट तक भूनना है। करछी को चलाते हुए प्याज को हम हल्का सा नरम होने तक भूनेंगे और प्याज जब हल्का सा इस तरह से नरम हो जाए तब इसमें कटे हुए बीन्स को डालेंगे। बीन्स को जितना हो सकता है पतले पतले करके काट लीजिए। अब बीन्स के साथ सारे चीज़ों को मिलाएंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे हमें भूनना है 3 से 4 मिनट तक। और इस तरह से बीन्स को पलटते हुए भूनेंगे। इसी के साथ ही हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक को भी अच्छी तरह से सारे चीज़ों के साथ मिला देंगे और 3 से 4 मिनट तक भूनने के बाद इसे हमें 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम पे ढक के पकाना है ताकि बीन्स सॉफ्ट हो जाए। 2 मिनट के बाद लीड को खोलेंगे और बीन्स को हम करछी से इस तरह से पलट देंगे और दोबारा इसे हम ढक देंगे। और 4 से 5 मिनट के बाद लीड को हम खोलेंगे और बीन्स का सॉफ्टनेस भी चेक कर लेंगे। बीन्स अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। अब इसे हम ढक्कन खोलकर ही पकाएंगे 4 से 5 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे। और इस तरह से करछी को लगातार चलाते हुए बीन्स को हमें इस तरह से फ्राई करना है। बीन्स जब फ्राई हो जाए तब इसमें हम गरम मसाला पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। अब हम मसाले को अच्छी तरह से बीन्स के साथ मिला देंगे और 1 मिनट तक भून लेंगे। इस रेसिपी को आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये हमारा बीन्स भाजी तैयार हो चुका है। अब इसे हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। अगर आपको ये भाजी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।